मंगल में मंगल नमोताय जाते हरे हंता महा करी मंगल करियो महा ग्रंथ करण को जाते मिले समाज सब आवे निज पद नून जड़म वीरम अनंत वर्णान दर्शन सा वो केवली सुत केवली तीन भुवन में सार गीत राग ले ज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमो त्रिलोक गुरुदेव पे क्या चल रहा था? आवाज नहीं आ रही थी यार, आवाज नहीं थी यार। नहीं, बल्कि आशा ने कहा तो मैंने तुम्हें कहा शायद बिजली नहीं हो तो नहीं आ रही हो। लाइट तो थी बाहर, आज बिल्कुल कैंपस में आवाज नहीं थी। वही होगा अपना बालक, मैं बोलता हूँ। नीरज बेटा, आज प्रवचन या जो भक्ति कुछ भी चले वो बाहर जाना चाहिए ना। आज गुरुदेव नहीं, बिल्कुल मुझे तो हल्का सस लग रहा था तो मैं समझा अंदर की ही है। तो देख लेना बेटा, है ना, हमारा चल रहा था पहले अधिकार का। बाबू जी हमारा पे चार है, पांच है कितना, चार चल रहा है, जो पूज्यत्व का कारण मिल गया आपको। मिल गया। कल इस पे चर्चा हुई थी जी, फिर सिर्फ एक मिनट इस पे पहले हमने हम देव शास्त्र गुरु को सिरोधार्य करते हैं। जिनको सिरोधार्य करते हैं, जिनका प्रति क्षण प्रति समय प्रतिदिन नमन वंदन नमस्कार करते हैं, जिनको ऐसे सबसे पहले शुरू करते ही मोक्षों प्रकाश पंच परमेष्ठी के स्वरूप का विचार किया गया। अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी का विचार किया। फिर ये प्रश्न उठता है यहाँ पर, हर एक की परमिष्ठी के अंत में आया कि इनको हम नमस्कार करते हैं, इनको मेरा नमस्कार हो, ऐसा शब्द आया। अरहंत के में तो आया सब प्रकार से पूजने योग्य, ये शब्द आया। तो ये पूजने योग्य क्यों है, इनमें पूज्यत्व की क्या खास बात है जो औरों में नहीं है, यही पूजने पंच परमिष्ठी ही क्यों पूजने। तो टोडरमल जी ने ब्रीफ में, मैं उस बात को शॉर्ट में कह रहा हूँ, टोडरमल जी कहते हैं जिन धर्म में जो कषायों की हीनता, कषाय अर्थात राग द्वेष और मोह, मोह को यहाँ पे मोह को मिथ्यात के लिए ले, राग द्वेष मोह की हीनता नहीं होती है। मोह या तो होता है या मोह नहीं होता है। मोह माने मिथ्यात्व, उसके लिए कहा ये श्रद्धा गुण की पर्याय है। ये इसको एकाक्षी कहा है, बिल्कुल सही। या तो स्वयं में प्रतीति श्रद्धान, ये मैं हूँ, अपने में अपनापना
उसका नाम है सम्यक्त। और या परमें ये अपनापना, ये शरीर मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं अनंत गुणों का स्वामी हूँ, ये स्वयं ये सच्चा प्रतीति। और मैं स्त्री पुत्र मकान पैसे का घर का स्वामी हूँ, ये उल्टी प्रतीति, वो मिथ्या है। ऐसा कभी नहीं हो सकता सचिन जी कि मैं कुछ अपने में अपनापन कर लूँ, कुछ पर में अपनापन कर लूँ। इसलिए दो तरफ इसमें पाँव नहीं है। चारित्र की पर्याय में तो है, मां शुद्ध और अशुद्ध पर्याय साथ चलती है। जितनी स्वभाव की में शुद्धि प्रकट हुई, एक चौकड़ी, दो चौकड़ी, तीन चौकड़ी, उतना शुद्ध अंश चलता है, उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। और जितना राग अंश उस भूमिका में बचा है, मैं बहुत धैर्य से बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि सिद्धांतिक भूल ना हो उस भूमिका में, क्योंकि सातवें गुण स्थान का जीव हो छठे सातवें का, और रागांश उसमें चौथे वाला बचा हो, तो वो भूमिका के योग नहीं है, तो वो टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। तो वहाँ तो दो भाग पड़ जाते हैं, शुद्धि अंश और विशुद्धि अंश। वो जो राग अंश है वो उस समय भी संसार मार्ग है। मुनिराज को उस राग अंश के काल में छठे गुण स्थान में गमन का, आहार का, शास्त्र लेखन का, विहार का, जिन दर्शन का, तीर्थ क्षेत्र वंदना का आदि आदि, गुरु के पास जाने का, देशना का, ये सब विकल्प उत्पन्न होते, वो विकल्प राग रूप हैं दुख के कारण, हे है, उपाधि नहीं है। लेकिन उस भूमिका में जितना रागांश है, उस जाति का विकल्प आता ही है, लाना नहीं पड़ता है, होता है। और मुनि वर या शावक या ज्ञानी महात्मा उस रागांश को, विकल्प को उपादे नहीं ही जानते हैं, क्योंकि जब तक वो विकल्प है तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। एक बात तो हुई, राग आदि की कषायों की समाप्ति अथवा हीनता और ज्ञान की विशेषता, विशेषता यानी सम्यक ज्ञान का प्रकट, ये दो चीज हों, ज्ञान हो और कषाय की कमी हो, अल्पता हो या ना हो, तो उसको पूज्यपना लागू पड़ता है हमारे यहाँ। और जिसमें कषायों की तीव्रता हो, अनंतानुबंधी हो, अनंत संसार का अनुबंध करने वाली हो, जिसको मिथ्यात सहित का ज्ञान हो, वो पूज्यपने को प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये इन पांच में, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु में, पांच में दो को तो कषायों का पूर्ण अभाव हुआ है, अरहंत और सिद्ध परमात्मा, और पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, छाई ज्ञान खिला है। उनको ज्ञानावर्णी का सत्ता में से छह हो गया है, और उस समय उनको पूर्ण ज्ञान है, वो उसके बल पे एक समय में तीन काल, तीन लोक के समस्त पदार्थों को, द्रव्यों को, गुणों को, उनकी भूत, वर्तमान, भविष्य की पर्यायों को युगपत विशेषपने प्रत्यक्ष जानते, जिनमें ये ज्ञान का इतना विशेषता हुई है। सम्यक ज्ञान तो चौथे गुण स्थान का, ये हुई विशेषता हुई है, और जिनके राग आदि का संपूर्ण अभाव हो गया है,
उनको तो संपूर्णतया पूरी तरह से उनको पूजपना संभव है, पूजने के योग पूरी तरह से हैं, कोई चीज अशेष रखे बिना पूरी तरह पूरी। और बाकी भी जो तीन परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय साधु हैं वो भी सम्यक्त आदि गुणों के धारी हैं, सम्यक ज्ञान सहित हैं, उनको भी बहुतों को अवधि मनपरिय ये विशेषता हो सकती है, चार ज्ञान के धारी भी हो सकते हैं, कुछ तो नियम पूर्वक चार ज्ञान के धारी होते ही हैं, उन सब के ज्ञान की विशेषता और कषायों की तीन चौकड़ी कम संजरण मात्र कषाय बची है, उस मंदता के कारण वो भी एक देश पूजनीय है। यानी पूर्ण तो पूजनीय तो हमारे लिए तो पूजनीय है, लेकिन उनमें भी एक देश वीतराग विज्ञानता प्रकट है, पूरी वीतराग विज्ञानता प्रकट नहीं है, वो भी हमारे लिए आदर। फिर मैंने कल ये भी लिया था उसी क्रम में परंपरा में, यहाँ तो पंच परमेष्ठी को लिया, लेकिन जिसने क्षण भर निज रस को पी चेतन, एक क्षण के लिए भी अपने आत्मा का रस पिया है, उस आनंद के सागर का भोग किया है, वो जीव नियम से कुछ काल में इन पंच परमेष्ठी और वो भी अरहंत सिद्ध दशा में नियम से पहुंचने वाला है। वो एक काल तो निश्चित हो गया ना, कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल उसने हो गया, तो महत्व पहुंचने वाला है। उसको भी अनंतानुबंधी का नाश हुआ है, मिथ्यात् का नाश हुआ है, एक चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है, जितना हुआ है उतने देश उसको वीतराग विज्ञानता प्रकट हुई है। मैंने वीतराग विज्ञानता के आठ भेद किए थे ना बेटा, तो एक शक्ति रूप और यहाँ चौथे गुण स्थान की वीतराग विज्ञानता जहाँ से प्रारंभ हुआ, और पांचवें गुण स्थानवर्ती शावक महाराज आर्य का माता, उसमें तीन भेद जगन मध्यम उत्तम। यहां जो आर्य का माता उत्कृष्ट शावक को अष्टद्रव से वंदनीय कहा है, तीन ही लिंग पूजनीय कहे हैं, नंबर एक मुनिराज का यथा जात लिंग, जैसा जन्म के समय बालक निर्विकार होता है, जिसके शरीर पे एक तिल तुष्ट मात्र भी परिग्रह नहीं होता, ऐसा मुनिराज का लिंग वंदनीय है, नंबर एक। नंबर दो उत्कृष्ट शावक का लिंग, उसको उत्कृष्ट शावक में आर्का माता को तीसरे नंबर पे लिया, एक तो स्त्री पर्याय, और उसको केवल एक लंगोट बचा है, पीछे के मंडल के साथ में एक लंगोट बचा है, और चाह लंगोटी की दुख भाले, वो भी उसको दुख रूप है, उसे पीड़ा देने वाला है, लेकिन आर्का माता की मजबूरी है, तो उनका भी जो उत्कृष्ट लिंग है चूंकि उससे आगे नहीं है, इसलिए वो अणुव्रत होते हुए भी आर्का माता के अणुव्रतों को उपचार से महाव्रत की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि इससे ऊपर वो नहीं है। हम बहुत डिटेल में नहीं जाते कि आर्का माता को क्यों नहीं हो सकता, कैसे, उस सब की चर्चा भी कोई किसी को प्रश्न हो तो कर सकते हैं। तो ये स्तुति योग महान जानना पहले पैरे के अंत में ये बात होगी। पुनश्च जो अरहंत आदि पद हैं, ऐसा जानना कि मुख्य रूप से तो तीर्थंकर का और गौण रूप से सर्व केवली का, प्राकृत भाषा में अरहंत तथा संस्कृत में अरहत ऐसा नाम जानना, तथा चौदहवें गुण स्थान के अनंतर समय में बिना अंतर डाले अगले समय में, उसी बिना अंतर अगले में मतलब गैप करके नहीं,
श्रृंखला, चैन जो है उसमें एक से दूसरे बंधा हुआ है, इस तरह से समय ऐसे अगले समय में अंतर डाले बिना सिद्ध नाम जानना। पुनश्च जिनको आचार पद हुआ हो संग में रहें अथवा एकाकी आत्म ध्यान करें। दोनों तरह से आत्म ध्यान है, संग में रहकर आत्म ध्यान करें या एकांत में जाके आत्म ध्यान करें। संग में उन पे जिम्मेदारियां भी हैं, वो जो आचरण अचरवाते हैं ये बेटा जो हमारा, मैंने शायद कभी कहा हो, जो मुनि संघ का डिसिप्लिन है उससे पूरे देश का डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। वो एक हायरार्की है, किस तरीके से चलना है कैसे नहीं चलना है। आचार अचरवाते हैं, आचरण नहीं करते ऐसा नहीं है। उनका भी मुख्य कार्य तो अपने शुद्ध उपयोग में रहना है। कभी शुद्ध उपयोग से बाहर आते हैं, अंतर्मुहूर्त में तो नियम पूर्वक हर साधु जाता ही है, अंतर्मुख होता ही है, नियम पूर्वक है, वरना गुणस्थान गिर जाएगा। लेकिन उससे जल्दी भी जाते हैं आचार्य महाराज आत्मध्यान में, अभी पूर्ण ली श्रेणी नहीं मान सकते, श्रेणी नहीं मान, लेकिन मुख्य कार्य तो वो है। लेकिन जो राग अंश संजलन कषाय बची है उसके हीन 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 होने पर भी उनको उस शुभ राग की कणिका का उदय होने पर ऐसा भाव किसी के धर्म का प्रपाशु जीव देखकर करुणा बुद्धि से उसे संबोधने का भाव, जिन धर्म करुणा बुद्धि से जिन शास्त्रों को रचने का भाव, शरीर के संयम के हेतु आहार विहार और उसके लिए गमन का भाव, वंदना का भाव, मुनि के आचार्यों के पास, महान आचार्यों के पास जाने का भाव, देव दर्शन का भाव, दिव्य ध्वनि सुनने का भाव, गणधर परमात्मा से प्रश्न पूछने का भाव, इस तरह वो राग अंश के उदय में आते, ये उनकी भूमिका के योग है। इससे विपरीत भूमिका के योग नहीं। भूमिका में ये उत्सर्ग मार्ग नहीं है जो पीछे का मंडल है, दो मार्ग है ना, उत्सर्ग और अपवाद, ये अपवाद है, अपवर्ग, ये वो है, क्योंकि पीछे का मंडल ग्रहण किया है, वो अवश्यपने ग्रहण किया है, वो स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाए। तीर्थंकर को पीछे कमंडल की आवश्यकता नहीं है, चारण रिद्धिधारी मुनिराज को आवश्यकता नहीं है, तो वो अवश्यपने ग्रहण किया है, ग्रहण किया है तो उसको देखना भी पड़ता है, उसकी संभाल भी करनी पड़ती है, तो अवश्य है, इतना इतनी मात्रा में वो अवश्य है, जो परम आवश्यक अधिकार है ना नियम सार का, वो कहता है मुनिराज जब केवल इतनी मात्र से अवश्य कहला रहे हैं, आवश्यक में नहीं है, आवश्यक तो एक ही है, उसमें स्पष्ट है, अपने स्वभाव में स्थिर होना, शुद्ध उपयोग में टिकना, यही आवश्यक है। ये आवश्यक पलने पर समस्त आवश्यक सुते पल जाते। लेकिन माँ एक बात और भी कहिए बेटा, जो मुनिराज शुद्ध उपयोग में तो है नहीं, और जो छह व्यवहार आवश्यक हैं, वंदना स्तुति आदि जो छह हैं, छह जो आवश्यक हैं, उनमें रत नहीं होते हैं,
तो उसे कहा ये महाभ्रष्ट है, महाभ्रष्ट है, चारित्र से तो भ्रष्ट है, महाभ्रष्ट है। जो वो निश्चय ये व्यवहार से भ्रष्ट और निश्चय से भी भ्रष्ट है। जो निश्चय से भ्रष्ट नहीं है उसके नियम से बाह्य व्यवहार षट आवश्यक भी पलते हैं। बाहर के षट आवश्यक पले तो निश्चय आवश्यक पले, इसका तो नियम नहीं है। लेकिन अगर बाहर के पल रहे हैं तो व्यवहार से तो भ्रष्ट नहीं है, निश्चय से भ्रष्ट है। लेकिन जो व्यवहार के षट आवश्यक से भ्रष्ट है, वंदना स्तुति आदि को भी नहीं करता है, तो वो व्यवहार से भ्रष्ट है। और जो व्यवहार से भ्रष्ट है उसका नियम है कि वो निश्चय से भी भ्रष्ट है। तो उसे लिखा है वो भ्रष्ट से भ्रष्ट है, अति भ्रष्ट है। 145 का था नियम सार, नियम सार बेटा, पूर्ण पूर्ण द्रव्यनियोग का गण, कसके वाले की बात कर रहा हूँ। अष्टपाउल में तो बहुत बात कही है, बहुत बात कही है, उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ बेटा। 145 गाथा की बात कर रहा हूँ। और वो जो एक बात आती है ना, चूंकि हम 5-4 लोग हैं इसलिए वो चर्चा कर रहा हूँ। समय सार की 206 गाथा में, क्योंकि अक्सर मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है, और मुझसे नहीं सब जगह मैंने देखा है पूछा जाता है, हमें सम्यक्त हुआ है इसका पता हमें कैसे लगे, है ना। कोई चिन्ह तो बाहर है नहीं, वो जो आपने कहा संवेग है, आस्तिक है, वो तो बाह्य चिन्ह है, वो तो मिथ्या दृष्टि में भी दिखाई दे सकते हैं, तो कैसे पता लगे। तो 206 गाथा समय सार में आचार्य अमृतचंद देव ने अंत में कहा, लाना जरा समय सार देना बेटा। और ये बात दो सौ 56-57 कलश नियम सार में रही, पद्म मालधारी देव ने भी दो कलशों में 256-57 में ये बात कही है बेटा। कोई सा समय सार उठा ला, निकालना 206 बेटा। लास्ट की टीका की लास्ट की दो लाइन पढ़ो, दूसरों से मत पूछ, उससे और ऊपर से पढ़ो। इस प्रकार सदा ही आत्मा में रत, आत्मा से संतुष्ट और आत्मा से तृप्त, ये ना, इसमें सदा रुचिवंत बन, इसमें बन संतुष्ट रहे, इससे ही हो तू तृप्त, उत्तम सौख जिससे हो तुझे। ये तो गाथा हो गई है ना, तो यही बात कह रहे। हाँ, तृप्त ऐसे तुझको वचन से अगोचर, ऐसा तुझे जो वचन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वचन से मूर्ति कहा जा सकता है, ये अतीन्द्रिय सुख होगा, अतीन्द्रिय सुख होगा। हाँ, और उस सुख को उसी क्षण तू ही स्वयं देखेगा, स्वयं देखेगा, वेद देखेगा मतलब वेदन करेगा, अनुभव करेगा। दूसरों से मत अति प्रश्न मत कर, वह सुख अपने को ही अनुभव गोचर है, दूसरों से क्यों पूछना पड़े, दूसरों से क्यों पूछना है ना। और ये बेटा 256-57 कलश नियम सार में नहीं रह दे, हिला रहा है क्या, ले आ ले 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 भाई ले। दो सौ छप्पन में इसकी इसका।
हाँ तो पढ़ो नीचे की लाइन। आत्मा को अवश्य मात सहज पदम आवश्यक एक को ही कि जो अग समूह अग समूह माने अंधकार पाप पाप समूह को एक शब्द दे क्या और अग समूह का नाशक है और मुक्ति का मूल रूप से करना चाहिए। सदा निज दस के विस्तार से पूर्ण भरा होने के कारण पवित्र और पुराण सनातन ऐसा हुआ आत्मा वाणी से दूर वचन अगोचर ऐसे किसी सहज शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। मूल बात आ गई बेटा, वचन से अगोचर सहज शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। इससे अगले कलश की भी लास्ट लाइन पढ़ो। स्ववश मुनिंद्र को उत्तम स्वाक चिंतन होता है और यह है आवश्यक कर्म है, उसे मुक्ति सुख का कारण होता। मुक्ति सुख का कारण वो जो 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 आत्मा में टिका, चाहे स्वानुभव के काल में, चाहे चौथे गुण स्थान वाला टिका या पांचवें वाला टिका या सातवें वाला टिका, वो उसे मुक्ति तक ले जाके मानेगा। श्रीमद जी ने कहा है ये सम्यक्त का एक नियम है कि तू सम्यक्त को सोच समझ के धारण करना, कभी गलती से ले ले सम्यक्त को। सीमत जी ने कहा है, आपने पढ़ा है बहन, आपने गर्दन हिलाई, आपने पढ़ा है क्या है? ये तुझे छोड़ेगा नहीं। तेने अगर सम्यक्त ले लिया तो ये तुझे मुक्ति में पहुंचाने के ही छोड़ेगा, पहले नहीं छोड़ेगा। और तेरा यदि मोक्ष जाने का कहीं भाव बदल गया बीच में तो ये तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे दो भव तीन भव पांच भव में तुझे ले जाके छोड़ेगा, इसलिए तू इसे सोच समझ। तो जिसने इस सम्यक्त को प्राप्त किया उसे वो मोक्ष के सुख की, उस जाति के सुख की, उसकी वॉल्यूम तो कम हो सकता है लेकिन उसी जाति का जो सिद्ध भगवान को अरहंत भगवान को सुख है, वो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति उसको उस समय होती है, उसी जाति का सुख होता है। जाति में अंतर नहीं है। जैसे एक लोटे में शक्कर का पानी, एक चम्मच में शक्कर का पानी, एक कटोरी में शक्कर का पानी, तीनों के वॉल्यूम में अंतर है, जाति में अंतर नहीं, तीनों उसी शक्कर के पानी है। ये आगे बात वो भी देख सकते हो आप, उसमें 100 मैंने क्या बताया था, 145 बताया, 145 गाथा, बहुत बढ़िया गाथा। ये आचार्य वाली बात तो हो गई ना। पुनश्च पठन पाठन तो अन्य मुनि भी करते हैं, सामान्य स्वरूप में आ जाती है ना बात, आचार्य उपाध्याय साधु के समान स्वरूप में क्या क्या चीज सामान्य है, सब शुद्ध उपयोग में रहते हैं, सब कोई इस तरह का आहार विहार आदि क्रिया में भी प्रवर्तते हैं, शुभ राग कांस होने पर ऐसा भी करते हैं वैसा भी, वो सारी बात उसके अंदर आ गई है। तो नाम से ये कहा जो गमन करे सो गाय, तो मनुष्य भी गमन करते हैं, उसे गाय संज्ञा तो नहीं लगती। तो यहाँ पर जो पढ़े पढ़ाए उसे उपाध्याय का, वो केवल संज्ञा नाम संज्ञा की अपेक्षा से कहा, लेकिन पठन पाठन तो दूसरे मुनिराज भी करते हैं। परंतु जिनको आचार्यों द्वारा दिया गया उपाध्याय पद प्राप्त हुआ हो, अपने आप स्वयंभू ना हो, श्रावकों से ना लिया हो आचार्य पद। बाबू जी आजकल आचार्य पद भी श्रावक दे देते ना,
जिसको अपने सम्यक्त का ठिकाना नहीं, वो मुनिराज को आचार्य बना देते हैं ना, आचार्य इस पे झगड़ा भी करते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं मेरे साथ, कहते हैं उपाध्याय भी वो बहुमत बेटा इनको संघ में तो चलता है। अगर किसी कारण से आचार्य दूसरे किसी मुनिराज को आचार्य पद दिए बिना उनका आयु 6 हो गया तो उस काल के लिए आचार्य विहीन हुआ ना संघ। तो जो उसके अंदर उपाध्याय या निर्यापकाचार्य या दूसरे अन्य पद हैं वो सब बैठकर बहुमत से नहीं, एक मत से, बहुमत से नहीं, ये निर्णय करते हैं कि संघ काल, चूंकि वहां पे इसलिए कंपटीशन नहीं है कि उस पद के भार को लेना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर संघ की आज्ञा हुई या आचार्य की आज्ञा हुई तो सविनय विनय के साथ स्वीकार करते हैं, इसलिए झगड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ उपाध्याय किसकी बात चल रही है, जिसको योग्यता देखकर परख कर आचार्य ने जिसे उपाध्याय पद पे सुशोभित किया हो, इसमें खास बात क्या है, उस पठन पाठन का अधिकारी बनाया हो। वास्तव में पढ़े तो सही लेकिन पढ़ाने का अधिकारी नहीं है हर मुनि, स्पष्ट लिखा है उपाध्याय के स्वरूप पढ़ लीजिए पीछे, जो पठन पाठन के अधिकारी, यहाँ भी लिखा होगा अधिकारी हुए हैं। अधिकारी कैसे हुए हैं, जिनको आचार्य ने उपाध्याय का पद दिया है, स्वयंभू नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुनिराज दूसरे पठन पाठन नहीं कर सकते, लेकिन अधिकारी नहीं है। जो अगर कैप्टन कहीं चला गया क्रिकेट टीम का तो वो दूसरे अपने खिलाड़ी से कहेगा तू देखियो मैं आता हूं, तो वो देख लेगा उसकी जगह, लेकिन वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी तो उस काम का कैप्टन ही है। जब ऊपर उपाध्याय के स्वरूप में विशेष कहे आए थे कि संघ में पठन पाठन, तो फिर यहाँ अलग से उपाध्याय, यहाँ पूज्यपने की बात कर रहे हैं। परंतु जिनको आचार्यों द्वारा दिया गया ऐसा आचार्य पद पे आत्म ध्यान आदि कार्य करते हुए भी वो आत्मा में स्थिर हैं, जिस कार्य में, ऐसा नहीं है जब पढ़ा रहे हैं तभी उपाध्याय है, वो आत्मा में लीन है, वो आहार के लिए जा रहे हैं, निहार के लिए जा रहे हैं, विहार के लिए जा रहे हैं, उस काल में भी वो उपाध्याय है। ऐसा नहीं वो संज्ञा केवल पढ़ाते समय है, जिसे पद दिया है, जिसे पद नहीं दिया गया है उस काल में उसे कह सकते हो ये पढ़ा रहा है उपाध्याय, बाकी उसको, बाकी को नहीं कह सकते। उपाध्याय ही नाम पाते हैं, जो पदवी धारक नहीं है सब मुनि साधुओं धारक जानना। यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि क्या है पंचाचारों से आचार्य पद होता है, पठन पाठन से उपाध्याय पद होता है, मूल गुणों के साधने से मूल गुण तो आचार्य भी साधते हैं भाई, पंच महाव्रत तो आचार्य भी साधते हैं उपाध्याय भी साधते हैं, होता है क्योंकि ये क्रियाएं तो सर्व मुनियों के, सर्व माने आचार्य उपाध्याय साधु सर्व मुनियों के साधारण है, वो सामान्य कथन में आ गई आ गई है जी। हाँ हाँ जी हाँ जी, तीनों का बहन पीछे आचार उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप कहा है, सामान्य यानी उन सब बातों का वर्णन किया है जो तीनों में, आचार उपाध्याय साधु में सामान्य रूप से तीनों में पाई जाती है, तो उसके अंदर ये बात भी आई है।
क्या है बेटा? क्योंकि ये क्रियाएं तो सर्व मुनियों के साधारण हैं, परंतु शब्द नय से उनका अक्षरार्थ वैसा किया जाता है। हाँ, संविरूढ़ नय से पदवी की अपेक्षा ही आचार्य आदि नाम जानना। जिस प्रकार शब्द नय से जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, वहाँ गमन तो मनुष्यादि भी करते हैं, परंतु संविरूढ़ नय से पर्याय अपेक्षा नाम है। जिस समय वो गमन कर रही है उस अपेक्षा नाम है, लेकिन बाकी जब वो सो रही है तब भी गाय है, गमन कर रही है तभी गाय नहीं है। इसी प्रकार यहाँ समझना, यहाँ सिद्धों से पहले अरहंतों को नमस्कार किया उसका क्या कारण, ऐसा संदेह उत्पन्न होता है। टाइम हो गया क्या है जी? तो इसे कर लें।